साफ साफ शब्दों में संकेत दे दिए गए, संकेत दे दिए गए। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। सोशल मीडिया के धुरंधर माने जाने वाले देश के लोकप्रिय पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में जबरदस्त इजाफा हो रहा है। देश को डिजिटल इंडिया की ओर ले जाने के लिए जी जान से जुटे पीएम मोदी खुद भी सोशल मीडिया पर कितने एक्टिव रहते हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वो मौजूदा समय में विश्व के तमाम दिग्गज नेताओं को पछाड़कर नंबर वन बन गए हैं। वर्ल्ड लीडर ऑन फेसबुक 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व के टॉप 10 दिग्गज नेताओं में मोदी नंबर वन बन गए हैं। दूसरे नंबर पर मौजूद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो पीएम मोदी से कहीं ज्यादा पीछे हैं। सिर्फ मोदी ही नहीं, प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ भी मोस्ट लाइक्ड वर्ल्ड लीडर्स में चौथे नंबर पर मौजूद है। नरेंद्र मोदी को फेसबुक पर 4,35,14,822 लोग लाइक करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को 2,38,38,836 लोग लाइक करते हैं। जॉर्डन सुल्तान की पत्नी को 1,69,559 लोग लाइक करते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ को 1,37,80,537 लोग लाइक करते हैं। कंबोडिया के पीएम हुन सेन को फेसबुक पर 1,97,06,896 लोग लाइक करते हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को 93,17,484 लोग लाइक करते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन को 90,09,566 लोग फेसबुक पर पसंद करते हैं। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को फेसबुक पर 89,94,586 लोग लाइक करते हैं। इंडोनेशिया के पीएम जोको विडोडो को 88,86,568 लोग लाइक करते हैं। 10वें नंबर पर मौजूद व्हाइट हाउस को 85,17,352 लोग लाइक करते हैं। आपको बता दें, ये रिपोर्ट सालाना तैयार की जाने वाली ट्रिप्लोमेसी स्टडी का हिस्सा है जिसे दुनिया की जानी मानी संचार एजेंसी BCW तैयार करती है। फेसबुक के क्राउड टैंगल टूल की मदद से 962 फेसबुक पेजों की एक्टिविटी का विश्लेषण कर इसे तैयार किया गया है। इनमें ऐसे लोगों को शामिल किया गया है जो या तो किसी देश के मुखिया हैं या फिर सरकार में शामिल हैं। भारत माता की, भारत माता की, ये जो ऊपर है, आप सुरक्षित है क्या? देखिए, संभालिए अपने आप को। अगर आपको कुछ हो गया तो मुझे बहुत दुख होगा। मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको इतराज ना हो, अगर नीचे आ जाएं। नीचे आ जाइए। देखिए, ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए। मैं तो आपका ही हूं, दोबारा आऊंगा, फिर मिलूंगा। भारत माता की, भारत माता की। मंगलुरु, उडुपी, मत्थू, चिकमंगलूर जिलेय आत्मीय नागरिक बंधुगळिगे निम्म चौकीदार नरेंद्र मोदी नमस्कारगळु। मंदिरों,
मठों, आस्था, अध्यात्म, संस्कृति, ज्ञान और राष्ट्रवादियों की पावन भूमि को मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं। राम नवमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 14 अप्रैल कल हमारे देश के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर जी की जन्म जयंती भी है, मैं उन्हें भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। मैं पूछ रहा था कि क्या कन्नड़ में इंटरप्रिटेशन की जरूरत है क्या? आप सबका मत यही है, हम तो लोकतंत्र वाले हैं, आप जो कहेंगे वो करेंगे। लेकिन भाइयों बहनों, मैंगलोर में इसी मैदान में मैं कई बार आया हूं, लेकिन आज ऐसा लग रहा है जैसे केसरिया समंदर लहरा रहा है। केसरिया रंग से आपने सब कुछ रंग दिया है आज, और मैं एयरपोर्ट से यहां आया, बड़ा लंबा सफर होता है, जब मैं देख रहा था कि पूरे रास्ते भर दोनों तरफ ह्यूमन चेन नहीं, ह्यूमन वॉल बना हुआ था, तो मेरे मन में शक हुआ कि इतने लंबे रास्ते पर लाखों लोग खड़े हैं तो यहां कौन होगा। लेकिन मैं हैरान हूं, वहां भी उतने ही लोग और यहां भी उतने ही लोग। साथियों, जब भी दक्षिण कन्नड़ा और उड़ीपी आता हूं तो आपका यह स्नेह देखकर अभिभूत हो जाता हूं। आपके इसी विश्वास ने मुझे देश हित में बड़े और कड़े फैसले लेने की ताकत दी है। ये मोदी है जो सिर्फ मक्खन पे लकीर करने वाला नहीं, ये पत्थर पर भी लकीर करता है। इन फैसलों में आपने जो साथ दिया है उसके लिए मैं आज मंगलुरु की धरती से पूरे कर्नाटक का, पूरे हिंदुस्तान का हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं पिछले 5 साल जो कुछ भी कर पाया हूं, भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, आज दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? भारत का जय जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अमेरिका में भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इंग्लैंड में भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? रशिया में भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कनाडा में भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? गलत गलत गलत, ये मोदी के कारण नहीं हो रहा है, ये आपके एक वोट के कारण हो रहा है। ये 2014 में आपने मुझे जो आशीर्वाद दिए, आपके साथ के कारण मुझे ताकत मिली, उसके कारण कड़े फैसले हो पा रहे हैं भाई।
और इसके लिए मैं आज मंगलुरु की जनता से सर झुकाकर आभार व्यक्त करने आया हूं। साथियों, इस बार का चुनाव कौन सांसद बने, कौन प्रधानमंत्री बने, कौन मंत्री बने, ये सिर्फ सरकार चुनने के लिए चुनाव नहीं है, लेकिन 21वीं सदी के भारत, नया भारत कैसा होगा, हम सबने ये तय करना है, इस चुनाव में फैसला करना है। नए भारत के संस्कार और प्रेरणा क्या होगी, ये आप सभी को तय करना है। करेंगे ना, करेंगे ना, अपना पराया तो नहीं देखेंगे ना, गीला सिकवा तो नहीं करोगे ना, देश की चिंता करोगे ना, देश के लिए वोट करोगे ना, पक्का पक्का। साथियों, कांग्रेस जेडीएस और उस जैसे अनेक दलों की प्रेरणा परिवारवाद है और हमारी प्रेरणा राष्ट्रवाद है। वो अपने परिवार के आखिरी सदस्य तक को सत्ता का लाभ देने के रास्ते खोजते रहते हैं। हम समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े वो लोग उनको आगे लाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। उनका दर्शन वंशोदय है, हमारा दर्शन अंत्योदय है। उनके वंशोदय से भ्रष्टाचार और अन्याय पैदा होता है, हमारे अंत्योदय से पारदर्शिता और ईमानदारी की प्रतिष्ठा बढ़ती है। उनका वंशोदय अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को नजरअंदाज करता है, हमारा अंत्योदय एक चाय वाले तक को प्रधानमंत्री बना देता है। उनके वंशोदय ने गरीब को सिर्फ नारे दिए,